बॉलिंग में कौन है? रोशन गेंदबाजी करेंगे, दूसरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, दोनों शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़े हिट लग सकते थे पर दोनों डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत दिवा अ टीम की। रोशन अच्छी गेंदबाजी करते हुए दो डॉट गेंद, पावर प्ले का ये ओवर, सिर्फ दो प्लेयर बाहर और दो डॉट गेंदें डाली है और ये बोल्ड। बहुत ही खराब स्थिति में यहां पर सरसली टीम, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ गुरु पाटिल के, विकेट मिला है यहां पर। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, केतन ने अच्छी बल्लेबाजी की पिछले मैच में, उम्मीदें है इनसे, नवा से भी, नवा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले फर्स्ट मैच जो हुई थी उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे नवा और केतन। देखते हैं कितने रन मुकम्मल करते हैं सरसली टीम के लिए। तीन गेंदे हो चुकी है, खाता नहीं खुला है टीम का अभी तक, एक विकेट भी प्राप्त किया है रोशन ने। अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी रोशन की। तीन गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या है जीरो, खाता भी नहीं खुला अभी तक, एक विकेट भी प्राप्त की है, बहुत ही अच्छी तारीफ करनी होगी रोशन की। राइट अम होती विकेट, सरसली गांव एंड से गेंदबाजी करेंगे रोशन, सामने है केतन, बड़ा हिट मारने की कोशिश, कैच आउट हो सकते थे अगर फील्डर बॉल पर जल्द से जल्द जाते तो, रन आउट का मौका कलेक्ट नहीं कर पाए, कीपिंग कर रहे नीलेश चंदू जी पाटिल, अच्छे व्यक्तिमत्व है दिवा गांव के, अपनी टीम में यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए, कीपिंग करते हुए, दो रन से स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ, चार गेंदों की समाप्ति के बाद दो रन, बड़ा हिट मारने की कोशिश, कैच आउट हो सकता है यहाँ पर, फील्डर नीचे और यहाँ आसान सा कैच, बहुत ही खराब स्थिति में है यहाँ पर सरसली टीम। पांच गेंदों की समाप्ति के बाद दो विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं और दो रन ही मिले हैं, कमबैक करना होगा सरसली टीम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, इसके बाद टॉप थ्री में जाएगी टीम, जो भी टीम विजेता होगी इस मैच में से। देखते हैं कौन सी टीम खेलती है टॉप थ्री में, करावी टीम, खेरनी टीम, दो टीमों ने अपना टॉप थ्री में जगह प्रवेश की है पिछले दो दिनों में, अब इस दिन में से कौन सी टीम जाती है टॉप थ्री में, दिवा या सरसली, देखते हैं इस मैच के बाद समझ में आएगा। आखिर की गेंद स्ट्राइक पर है मनोज, बड़ा हिट मारने की कोशिश करेंगे इस आखिर की गेंद पर, अच्छे बल्लेबाज है मनोज भी, और ये अंपायर का इशारा नॉट आउट, अपील किए थे वहां पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है दो, दो बड़े विकेट गिर चुके हैं, बहुत ही खराब स्थिति में है सरसली टीम। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी नवा को, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी मनोज को, अभी भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है सरसली टीम के, दीपक टांडेल, नशीब और भी अच्छे, जगु मेहर और भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, विनोद, सारे अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी फिलहाल तो नवा और मनोज विकेट्स पर मौजूद। एक ओवर की समाप्ति के बाद दो रन, दो विकेट के नुकसान पर। सुमित आए गेंदबाजी करने, पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उसे बदौलत ये टीम इस क्वार्टर फाइनल का सामना खेल रही है। अब गेंदबाजी कर रहे सुमित, सामने है नवा,
डेंजरस प्लेयर है ये, अब स्ट्राइक पर आया है नवा, एक ओवर के बाद दूसरे ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे सुमित का। अब देख सकते हैं पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन हटते हुए सारे पांच फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट, सासुले गांव एंड से गेंदबाजी करेंगे। अच्छा शॉट नवा का, कैच आउट हो सकते हैं, फील्डर वहां पर मौजूद है, आसानी से कैच हाथ में ही मार बैठे नवा, बहुत ही खराब स्थिति में है यहाँ पर। बहुत सारी उम्मीदें थी गुरु पाटिल से, नवा से, केतन से। निराश होते हुए तीनों बल्लेबाज सारे प्रेक्षकों को भी निराश किया है। कमबैक करना होगा सासोले टीम को, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। स्ट्राइक पर है दीपक, गेंदबाजी करेंगे सुमित। पहले ही बॉल पर पहला बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ नवा के रूप में। अब स्ट्राइक पर है दीपक टू सुमित, बड़ा हिट मारने की कोशिश, यहां से अंपायर का इशारा आउट का, एज लगती हुई एक गेंद। सारे बल्लेबाज विकेट छोड़ते हुए अपना निराश करते हुए, बहुत सारी उम्मीदें थी इन सारे बल्लेबाजों से। विनोद तो गेंद पर स्कोर रुका हुआ, चार विकेट गिर चुके, दो रन पर चार विकेट, बहुत ही खराब स्थिति में है सासोले टीम। फर्स्ट टाइम अपने करियर में ये टीम इतना खराब स्थिति पर दिखाई दे रही है, अपने होम ग्राउंड पर ऐसी खराब स्थिति में, बहुत ही निराश किया है प्लेयरों ने सासोले गांव के सारे प्रेक्षकों को। अब स्ट्राइक पर है नशीब, अच्छे प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, आखिर की उम्मीद ये जोड़ी है, देखते कितने रन मुकम्मल करते हैं। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लग सकता था पर हल्के हाथों से खेला है, दूसरे रन लेने की कोशिश और आसानी से पूरा। कुल स्कोर होता हुआ चार रन, बड़े समय के बाद ये दो रन आ चुके हैं। अभी भी तीन गेंद आनी शेष है ओवर की, देखते हैं तीन गेंदों पर कितने रन मुकम्मल करते हैं नशीब और मनोज। अच्छा स्ट्रोक वहां पर, फिर से दो रन मिल सकते हैं। अच्छा थ्रो पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की। नशीब दो गेंदों पर चार रन मिलते हुए, नसीब को ही खेलना है अभी, नसीब से ज्यादा खेल खेलना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, मौका है सुनहरा नसीब को। हल्के हाथों से खेला है, एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा, फील्डर के हाथ में थी ये गेंद। कुल स्कोर बढ़ता हुआ सात रन, एक आखिर की गेंद है इस ओवर की। मनोज है स्ट्राइक पर, बड़ा हिट मारने की कोशिश करेंगे, स्कोर बहुत ही कम है, आठ ही रन हो चुके हैं, दूसरी ओवर का ये आखिर का गेंद, सात सॉरी। बड़ा हिट मारने की कोशिश,
अंपायर का इशारा वाइट का, बहुत ही बाहर से जाती हुई है गेंद सुमित की, इसी के कारण स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 8 रन। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, इक्का दुक्का रन से स्कोर नहीं बनेगा अच्छा, बड़ा टारगेट रखना होगा दिवे टीम को, अच्छी टीम है सामने। बड़ा हिट मारने की कोशिश, यॉर्कर लाइन गेंद थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जो यॉर्कर लाइन डाली है ये गेंद आखिर की सुमित ने, तारीफ करनी होगी सुमित की भी। अच्छी विकेट, 2 विकेट प्राप्त की है, 6 रन दिए है पहले और रोशन ने डाली, बहुत ही बेहतरीन सा स्पेल, 2 रन और 2 विकेट। पावर प्ले का जो ओवर था रोशन का, 2 ही रन प्राप्त हुए, वही ओवर चार्ज करने का ओवर था, उसी ओवर में बैकफुट पर गई सरसुली टीम। अगर वो ओवर अच्छे रन निकल जाते तो अच्छी स्थिति में रहती, तारीफ करनी होगी रोशन की भी, 2 ही रन दिया और 2 विकेट। अब गेंदबाजी करने आए, अमर गेंदबाजी करने आए अपनी पहली और टीम के लिए 3री ओवर लेकर, कुल स्कोर हो चुका है 8 रन। अंपायर का इशारा आउट का, प्लम आउट, हल्के हाथों से खेलने गए, बड़े हिट लगाने चाहिए थे वहां पर, बड़े हिट की जरूरत थी, अगर आउट हो रहे भी हो तो 6 मारकर आउट हो जाओ, ऐसे चिकी रन्स निकालने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं और रिस्क भी ज्यादा रहती है। अब टीम के बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर जग्गू मेहर जाते हुए बैटिंग के लिए, अच्छे बल्लेबाज है ये भी, अच्छा निर्णय कि वो खुद आए बल्लेबाजी करने, इस ग्राउंड पर आसानी से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 6 मार सकता है, हवा के सहारे बड़े बड़े हिट लगते हैं इस ग्राउंड पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को। पैसे दे, पैसे बात दो, पैसे बात दो। अमर टांडेल यहाँ पर लगातार 2 सिक्स के लिए 500 रुपए लगाए हैं पर पैसे तो दिए नहीं अभी तक। देखते हैं जगु मेहर कैसे बल्लेबाजी करते हैं अमर की इस गेंदबाजी पर, राइट आर्म ओवर द विकेट सरसुले गांव एंड से गेंदबाजी करेंगे, वाइड गेंद हो सकती है और वाइड इशारा अंपायर दत्ता मेहर का, बहुत ही अच्छा अंपायर है सरसुले गांव के, बहुत ही बेहतरीन अंपायर है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट अंपायर। हेलो, बॉलिंग मार्क पर तैयार अमर, अच्छा स्ट्रोक ऑन द ग्राउंड स्ट्रोक खेला है मिड विकेट रीजन में, 1 रन आसानी से मुकम्मल, बड़े हिट लगाने हो गए सारसोली टीम को, एक अच्छा टारगेट रखना होगा दिवी टीम के लिए। मनोज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सामने है गेंदबाज अमर, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है मनोज, यॉर्कर लाइन गेंद, फ्लाइट दी थी इस गेंद को, कुछ समझ नहीं आई मनोज को ये गेंद, और ये बोल्ड लगता है कोई बल्लेबाज स्टंप देख रहा ही नहीं है, गार्ड ले रहे ही नहीं है, पीछे स्टंप दिखा रहे और डायरेक्टली बॉल हिट कर रही है स्टंप को, ज्यादा या अंदर आकर खेलने की कोशिश, अगर कोई भी बल्लेबाज अंदर आता है तो उनको ये ख्याल रहना चाहिए कि लेग साइड के बॉल ऐसे लीव नहीं करने चाहिए, ट्राई ही करने चाहिए, क्योंकि लगेगी तो भी एज लगकर ये पीछे फाइन लेग रीजन में जा
सकती है ये गेंद, ऐसे अगर छोड़ेंगे तो ऐसे ही बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा है। नया बल्लेबाज विनोद, देखते कैसे बल्लेबाजी करेंगे, बहुत सारी उम्मीदें थी मनोज से। विनोद भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, क्षमता है सिक्स मारने की इन्होंने में, देखते कैसे बल्लेबाजी करते हैं। विनोद अमर की गेंदबाजी पर, दो गेंदें आनी शेष इस ओवर की, बड़े हिट लगने होंगे ये दोनों। शॉर्ट पिच गेंद, बेहतरीन हिट, पारी का पहला चौका आता हुआ विनोद के बल्ले से, कुल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। मैंने कहा था यह बल्लेबाज क्षमता है इनमें, बड़े हिट लगाने की क्षमता है, अगर ऐसे शॉर्ट बॉल करेंगे तो ऐसे ये शॉट खेलते रहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छा स्ट्रोक खेला है फाइन लेग रीजन में, अच्छा शॉर्ट बॉल आया, जैसे बॉल शॉर्ट बॉल आया तो वहां पर खेला, बॉल देखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विनोद, पहले ही गेंद पर चौका खेला है। कुछ सी उम्मीद जगी हुई सरसले गांव की, एक गेंद आनी शेष तीसरे ओवर की, बॉलिंग मार्क पर तैयार अमर टू विनोद, बड़ा अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद, एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा दोनों को। ये ओवर थ्रो है यहाँ पर, अगर पहले ही भागते तो रन मिल सकती थी, पर अच्छा निर्णय, स्ट्राइक पर आएंगे विनोद, ज्यादा से ज्यादा गेंद विनोद खेलेंगे तो अच्छे रन मार सकते हैं। पंद्रह रन हो चुके हैं तीन ओवर की समाप्ति के बाद, अगर इस ओवर में 15 या ज्यादा रन आते तो फाइटिंग टोटल होगा। अच्छे बड़े हिट लगाने होंगे विनोद को इस आखिर के ओवर में। बैकफुट पर है यहाँ पर सरसोली टीम, 15 रन ही हो चुके तीन ओवर की समाप्ति के बाद, अभी भी एक ओवर आना शेष। गेंदबाजी करने है विकी, बड़ा हिट मारने के लिए ट्राई करेंगे विनोद, देखते हैं कैसे बल्लेबाजी करते हैं। बड़ा हिट मारने की कोशिश और यहाँ पर बीट, पावरफुल हिट लगाने का प्रयास यहाँ पर विनोद का, हालांकि आखिर की ओवर है, टाइमिंग के साथ भी ये गेंद सिक्स के लिए जा सकती है, देखते कैसे बल्लेबाजी करते हैं विनोद। अच्छा स्ट्रोक, लो फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, स्वीप शॉट खेला है 6 रनों के लिए अंपायर दत्ता मेहर का इशारा, ब्रांडेड हिट लगता हुआ विनोद के बल्ले से, उम्मीदें कुछ जागी की है इन्होंने सरसोले 30+ टीम की, अगर ये बल्लेबाज 4 गेंद खेल लेता है तो अच्छा स्कोर होगा सरसोले टीम का, बैट से रन आते हुए विनोद के। लेग साइड में ये गेंद डाली थी, अगर लेग साइड में ऐसे ही गेंदबाजी करेंगे तो ऐसे ही बड़े हिट लगेंगे, अब देखते हैं कहां पर डालते हैं गेंदबाज। तीसरी गेंद लेकर तैयार, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश और ये अच्छा स्ट्रोक, मैंने कहा था एज लगकर भी ये गेंद वहां पर 4 रनों के लिए जा सकती है, अगर बल्लेबाज कोई भी लेग साइड शफल करके आता है तो खेलना अनिवार्य होता है, इसी के कारण जैसे आप देख सकते हैं बैट का अंदरूनी किनारा लगकर भी ये 4 रन आगे मिलते हुए विनोद को, कुल स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। अच्छी कमबैक किया है यहाँ पर विनोद ने सरसोली टीम के लिए, 3 गेंद आनी शेष है, इन 3 गेंदों पर तीनों के तीनों बड़े हिट लगे तो अच्छी स्थिति में होगी सरसोली टीम, प्रयास करेंगे विनोद। विकी डॉट गेंद डालने के प्रयास करेंगे विकी, देखते हैं कैसी गेंदबाजी करते हैं विकी। 3 गेंदें आनी शेष इस इनिंग, इस आखिर के ओवर की, इस इनिंग की टारगेट सेट करने वाली ये 3 गेंद विनोद टू विकी।
फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, एक रन आसानी से मुकम्मल, दूसरी रन लेने की कोशिश नहीं कर रहे वहां पर, ले सकते थे स्ट्राइक अपने पास, पर स्ट्राइक रोटेट नहीं है यहां पर। अब स्ट्राइक पर है जग्गू मेहर, अच्छी बल्लेबाज है, बड़ा हिट मारने की कोशिश करेंगे। दो गेंदे आनी शेष इस ओवर की, बड़े हिट लगना चाहिए सरसुली टीम के लिए, अच्छी स्कोर होगा। दो में से अगर एक भी बड़ा हिट आता है तो अच्छा स्कोर होगा, कुल स्कोर हो चुका है 26 रन। बड़ा हिट मारने की कोशिश यहां पर, एक ही रन मिलेगा, अच्छा संपर्क नहीं हुआ, जगह से खेले, अगर शफल करके आते तो चांस मिलता लेग साइड में मारने का। अब आखिर की गेंद, 27 रन हो चुके हैं, देखते कैसे खेलते हैं विनोद, सीधे बल्ले से खेलना चाहिए, ऑन द ग्राउंड स्ट्रेट में भी सिक्स जा सकता है। आखिर की गेंद, अच्छा स्ट्रोक वहां पर, एक रन आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे रन लेने की कोशिश कर नहीं रहे वहां पर, और ये विकेट, कुल स्कोर हो चुका है 28 रन, 29 का टारगेट रखा है, छोटा सा टारगेट है, पर देखते हैं अच्छी गेंदबाजी करनी होगी सरसुली टीम को अगर मैच में डिफेंड करना होगा तो। ये स्कोर क्षमता तो है, अच्छे गेंदबाज है सरसुली टीम के, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, दीवा टीम को भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मुकाबला जीतना हो तो। अच्छे बल्लेबाज है दीवा टीम में भी, देखते कैसे रन चेस करते हैं या नहीं, देखने मिलेगा नेक्स्ट इनिंग में। मराठी के अच्छे कमेंटेटर अमित जी महाराज आए हैं, कमेंट्री करेंगे, अच्छा आवाज है महाराज का, मराठी में आप कमेंट्री सुनेंगे उनकी इस मैच के, इस इनिंग के लिए। एकोणतीस धावांचं टार्गेट या ठिकाणी टीम दिवा संघासाठी आजच्या दिवसातील शेवटचा गट आहे, आणि या गटातून नक्कीच
24 बॉल आणि 29 धावांचं टार्गेट आहे टीम दिवा संघासाठी. ज्या पद्धतीने जर पाहिलं तर टीम 30+ सारसे या मैदानावरती जर पाहिलं तर अगदी प्रत्येक फलंदाजानं नांगी टाकताना आपल्याला पाहायला मिळालं. जास्तीत जास्त धावांचं टार्गेट देणं गरजेचं होतं. पहिला बॉल अगदी बाटला ब्रश करून मात्र बॉल स्ट्राप बॉल होतोय. दोन दोन कार होतं. सीमारेषा पार पहिल्या बॉलवरती चौकार आलाय. कुठेतरी कॅच होणं गरजेचं होतं परंतु या बॉलवरती नशिबाचा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. टीम दिवा असंघ जर पाहिलं तर 29 धावांचं टार्गेट आहे. पहिल्या बॉलवरती चौकार आलाय. 24 बॉलमध्ये 29 धावांची गरज आहे विजयासाठी. यावेळेस फटांसिंग विकेट आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलेला आहे. या बॉलवरती डॉट बॉल आला. निर्धाव चेंडूची सांगता होते टीम सारसू या टीमकडून जर पाहिले तर नशीब आले गोलंदाजीला. नशीब यांना नशीब आजमावं लागेल कारण की आज टीम अडचणीमध्ये आहे क्वालिफाय होण्यासाठी. मात्र ही मॅच ड्यू ऑर डाईची कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळेल आणि ही मॅच जिंकणं गरजेचं आहे टीम सारसू संघासाठी. दोन्ही संघासाठी ही मॅच महत्वपूर्ण आहे. पहिल्या बॉलवरती चौकार, दुसऱ्या बॉलवरती डॉट बॉल आलाय. या बॉलवरती क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळला गॅपमध्ये आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक बॉल अडवेल तोपर्यंत मात्र दोन धावा या ठिकाणी घेतल्या जात आहेत. या धावा वाचवावे लागतील. एक एक धाव मात्र वाचवावी लागेल टीम सारसू या संघाला. धावसंख्या 6 या आकड्यावरती 3 बॉलचा खेळ संपलाय. नशीब आहेत पहिल्या षटक हाताच आपल्याला पाहायला मिळतात. 6 धावा धाव फरकावरती लागल्या गेल्या. त्यावेळेसचा खूप चांगला स्ट्रोक, गुटना डेक, तमाशा डेक, बॉल मात्र सीमारेषा पार. या बॉल वरती येतोय हा दर्जेदार आणि रुबाबदार चौकार पाहायला मिळतोय. चौकार आलाय. चौकारनंतर टीमची धावसंख्या 10 या आकड्यावरती. पहा 29 धावांचं आव्हान आहे. अगदी पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर नशीब यांच्या गोलंदाजीवरती चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस पहा इनसाइड आउट कॉपी बॉय कॉपी बुक स्टाईल फटका केला. खूप चांगला स्ट्रोक, बॉल जातो सीमारेषा पार. फलंदाज सुमितच्या बॅट मधून येतोय हा आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक. बॉल सीमारेषा पार, चौकार. अगदी पहिल्या षटकामध्ये जवळपास 3 चौकार आणि दुहेरी धावसंख्या, 1 डॉट बॉल, 14 धावा जवळपास या ठिकाणी कुठल्या गेल्या. ही मॅच अगदी लवकर फिनिश करण्याचा इरादा आहे टीम दिवा अ संघाचा. अगदी सारसू टीम जर पाहिलं तर आयोजन करून सातत्याने या ठिकाणी 3 दिवस खूप मेहनत घेतलेली आहे आयोजनाला. आणि या आयोजक टीमला, यजमान टीमला जास्त त्रास दिला जात नाही फिल्डिंग करण्याचा, कारण की प्रत्येक बॉलवरती चौकार येताना पाहायला मिळत आहे. 14 धावा, इथून पुढे मात्र 15 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या 19 बॉलमध्ये 15 धावांची गरज. सुमित यांनी जर पाहिलं तर आजच्या दिवसामध्ये इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आपल्या टीम दिवाळी संघासाठी. या अगोदरच्या मॅच मध्ये देखील सकाळी पाहिले तर 11 बॉल 44 धावांचे खेळी त्यांनी साकारले. यावेळेस पहा व्हेरिएशन केलं, फिंगर रोल केले, हाताची जादू दाखवली, परंतु डडबॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 14 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्या. 18 बॉलमध्ये गरज आहे ते आता 15 धावांची. 18 बॉलमध्ये 15 धावांची गरज आहे.
नवनाथ आले त्या वेळेस पा नवनाथच्या पहिल्याच बॉल वरती आक्रमण हल्ला बॉल सी मारेशा पार फलंदाज जित्तू यांच्या बॅट मधून येतो हा षटकार। धावसंख्या जर पाहिली तर 20 या आकड्यावरती आता मात्र 9 धावांची गरज आहे। इथून पुढे मॅच या यजमान टीमला मात्र अगदी लवकरात लवकर या ठिकाणी मोकळे करणार टीम दिवा असंघ अशी स्थिती मात्र निर्माण होताना आपल्याला पाहायला मिळते। 9 धावांची गरज आहे विजयासाठी। चांगली गोलंदाजी करावी लागेल यावेळेस पा कही पे निगाही कही पे निशाणा या ठिकाणी जर पाहिलं तर ऑनसाईडला फटका घेण्याचा प्रयत्न होता तर टीम करावी त्याचबरोबर टीम खैरणे या टीमला विनंती असेल आपण स्टेज जवळया टीम खैरणे त्याचबरोबर टीम करावी असंघ या वेळेस गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न हलक्या त्याने फक्त बॉलला दिशा दिली कव्हरला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत एक धाव या ठिकाणी अंकित केली जाईल 8 धावांची गरज आहे अजून देखील 3 बॉल मध्ये 7 रन खर्च केल्या। पहिले षटक जर पाहिले तर 29 धावांचं टार्गेट असताना नशीब यांची गोलंदाजी कुठेतरी कमी खर्चिक होणं गरजेचं होतं 4 ते 5 धावांचं षटक हाताळणं गरजेचं होतं परंतु पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर दमदार सुरुवात केली यावेळेस पा मिडल ऑफ द बॅट केलाय आणि बॉलला पाठवले सी मारेशा पार सुमित यांच्या बॅटमधून आणखीन एक पावरफुल दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळते बॉल सी मारेशा पार षटकार। आता मात्र गरज आहे ती फक्त आणि फक्त 2 धावांची अजून देखील गरज आहे औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये। यावेळेस पा व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा रन अगदी दुष्काळामध्ये 13 महिन्याच्या पद्धतीने धावा वाचवणं गरजेचं आहे परंतु धावा दिल्या जात आहेत त्या टीम सारसुरी 30+ या टीम कडून एका धाव्याची गरज आहे विजयासाठी। या वेळेस पा सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते सुमित यांच्या माध्यमातून 5 बॉलचा खेळ संपला 1 बॉल अजून देखील शिल्लक आहे टीम करावे ए टीम त्याचबरोबर टीम कैरणे या दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण या वेळेस पास विजिट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज सुमित यांच्या खेळीचा अंत होताना पाहायला मिळते। पंच शिशी मेहर सर यांनी मात्र अपील उचलून धरली आणि पंच या ठिकाणी अतिशय चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत। फलंदाज होते बाद पहिला गडी बाद होताना पाहायला मिळते टीम दिवा अ या टीमचा सुमित यांना परतावं लागले नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर निलेश पाटील एका धाव्याची गरज आहे पाच निलेश पाटील या नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन असं याला म्हटलं जातं आणि ते फलंदाजीसाठी येत आहे तर एका धाव्याची गरज आहे आणि बॉलर जर पाहिलं तर विनोद आहेत अगदी दोन्ही खेळाडू जर पाहिलं तर यावेळेस पहिल्याच बॉल वरती एक धाव या ठिकाणी घेतली जाते आणि टीम दिवा ए या संघाचा मात्र विजय होतो विजेते संघाचा हार्दिक अभिनंदन टीम 30+ सारसे या टीमला मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं कारण की फलंदाजीमध्ये केलेल्या चुका